Good morning. My name is Ankit and you're watching Chasing Whereabout, and today is the last day in Barcelona. And मैं जा रहा हूँ अपनी ट्रिप जो है जो चार घंटे हैं मेरे पास फ्लाइट बोर्ड करने से पहले उसको फुल्ली यूटिलाइज करने. मैं जा रहा हूँ गॉथिक क्वार्टर. घूमेंगे हम गॉथिक क्वार्टर को, बार्सिलोना कैथीड्रल को. So let's get started. सो प्लान कुछ ऐसा था दैट आई एम गोइंग टू कीप माई लगेज इन लगेज स्टोरेज, जिसका कॉस्ट मुझे पड़ा था 5 यूरो, एंड देन आई वाज फ्री टू रोम अराउंड. तो मैं हूँ इस समय प्लाजा दे कैटालुनिया में वापस से, एंड यहाँ से मुझे लेनी है V15 बस, जिससे मैं पहुँचूंगा गॉथिक क्वार्टर, या फिर सबसे पहला पॉइंट है बार्सिलोना कैथीड्रल. तो यहाँ से मैं V15 बस लेके बार्सिलोना कैथीड्रल पहुँचूंगा. सो बार्सिलोना कैथीड्रल पहुँच चुके हैं और ऐसा दिखता है बार्सिलोना कैथीड्रल. आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा. नाउ इट्स टाइम टू वॉक अराउंड द बार्सिलोना कैथीड्रल, बिकॉज बहुत ही सुंदर सुंदर एले हैं. ये देखो आप, जैसे ये वाली स्ट्रीट है, ये काफी सुंदर लग रही है. सो एली में वॉक करते हैं आर्काइव हो, हिस्टोरिक हो. अंदर एक छोटा सा म्यूजियम है जिसको आप पढ़ सकते हो, इसके बारे में हिस्ट्री जान सकते हो, एंड एक वेल है. कुछ ऐसा दिखता है. As I have walked further from Archivo Historico, I have reached to Gothic Quarter. This is one of the city's oldest and most fascinating neighborhood. As you walk through these narrow streets, you will feel the essence of medieval Barcelona. The ancient Roman walls, majestic cathedrals and hidden square create a magical atmosphere. And ye particular jo point tha, ye kafi famous tha kyunki sab log yahan pe ruk ke photo khicha rahe the. सो जब आप बार्सिलोना घूमोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे स्कल्पचर भी दिखेंगे बहुत सारी जगह पे. मॉन्सेरात पे भी था और यहाँ पे मैं आपको बता नहीं पाया था इसके बारे में. सो ये कुछ इंटरेस्टिंग सा स्कल्पचर है जो कि आपको देखता रहेगा जिस भी एंगल से आप इसको देखोगे. सो दैट इज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग. तो मेरी वॉकिंग टूर अब लेके आइए मुझे हिस्ट्री म्यूजियम ऑफ बार्सिलोना में. एंड ये जो क्लॉक है, ये क्लॉक 1576 की हो, एंड देन फाइनली ये यहाँ पे रेस्ट करती है. सो बज रहे हैं इस समय 12:32 और मेरा एक फुल सर्कल कैथीड्रल के अराउंड कंप्लीट हो चुका है. और अब मैं जा रहा हूँ अपना बैग कलेक्ट करने के लिए लॉकी स्टोरेज के पास, एंड देन उसके बाद कुछ खाऊंगा, एंड रफली अराउंड 2 मैं निकल जाऊंगा एयरपोर्ट की तरफ. सो मैंने प्लान कर रखा था कि मैं खाते समय थोड़ा और व्लॉग करूंगा, बट आई वॉज शॉर्ट ऑन टाइम एंड इट टुक मी रियली लॉन्ग टू रीच टू द एयरपोर्ट, क्योंकि मैं बैग लिया एंड देन वापस रश किया, खाना भी खाना था एंड देन रश किया एयरपोर्ट के ऊपर. सो इतना ही था इस पर्टिकुलर वीडियो में. आपको बार्सिलोना सीरीज टोटल कैसी लगी ये मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा. मैं एक और वीडियो बार्सिलोना की बनाऊंगा जो कि इसके बाद आएगी, विच इज़ गोइंग टू बी कंप्लीट वॉकिंग टूर अराउंड द कैथीड्रल, एंड दैट वुड बी द एंड ऑफ इट.
I hope you enjoyed watching this video and see you in the next one. Bye.